और इस बीच तिरुपति में लड्डू विवाद को लेकर, तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के आदेश आए हैं। कोर्ट ने एसआईटी का गठन करने के लिए कहा है। इस एसआईटी की टीम में दो पुलिस अधिकारी के साथ साथ में एफएसएसएआई की टीम के लोग भी शामिल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में सीबीआई भी इस पूरे मामले की जाँच करेगी। इसके अलावा एसआईटी जाँच टीम में एफएसएसएआई के एक्सपर्ट रहेंगे। इसके साथ साथ में एसआईटी जाँच की निगरानी खुद सीबीआई के निदेशक के द्वारा की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, एसआईटी का गठन किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा कि तिरुपति में जो प्रसाद था उसमें लार्ज और साथ साथ में बीफ टैलो और फिश ऑयल मिलने के बाद में लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। और चलिए, प्रसाद का जो मामला है वो सनातन से जुड़ा हुआ है और कैसे ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी मैं दे देती हूँ। तो इसको ऐसे समझिए कि जून 2024 में प्रसादम की क्वालिटी की जांच के जो आदेश है वो दिए गए थे। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। घी की जांच के लिए सैंपल गुजरात के एनडीडीबी लैब भेजा गया और जब सैंपल की रिपोर्ट सामने आई तो वो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जुलाई में रिपोर्ट में घी में फैट मिले होने का जिक्र मिला था और उसके बाद फैट पर सवाल उठे। रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी से बना हुआ फैट दरअसल लड्डू में मिलाया गया था, इस बात की पुष्टि हुई। चंद्रबाबू ने पूर्व सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसके लिए पूर्व की जो सरकार थी वो जिम्मेदार है। प्रसादम का मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जहां पहुंचा और अब ये बड़ी जो खबर है, बड़े अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रसादम को राजनीति से दूर रखने के लिए कहा है। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का भी गठन कर दिया है जो पूरे मामले की जाँच करेगी और कैसे ये सब कुछ हुआ है इस मामले पर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। हुआ कि जो मिलावट हुआ है, जो इंसिडेंट आया, वो पहले भी जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व था, इसलिए जो एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए। सो जो इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई गई है उसमें दो लोग सीबीआई से एंड दो लोग स्टेट बॉडी से और एक जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है एक लोगों का चयन होगा। ये पांच मेंबर्स की एक बॉडी बनाई जाएगी जो आगे की प्रक्रिया को देखेगा और इसको करते हुए जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा।